दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर को लेकर आज के दिन एक जैकपॉट न्यूज हमें आते हुए देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, फेम इंडिया स्कीम के फेस टू का यहां पर बड़ी अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रही है। नितिन गडकरी जो कि रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट निकल कर आया है और कह सकते हैं कहीं ना कहीं कल के ट्रेडिंग सेशन में आपको टाटा पावर की शेयर प्राइस के ऊपर उसका इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है। तो क्या है कंप्लीट न्यूज़, वो तो मैं आपको आगे वीडियो में डिटेल में बताने ही वाला हूं। लेकिन साथ ही साथ टाटा पावर के अंदर अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो क्या स्ट्रेटेजी अब आपको यहां पर फॉलो करना है, आइए उसे भी जानते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बात करें आज के टाटा पावर के ट्रेडिंग सेशन के बारे में, जहां पर आज के दिन हमें टाटा पावर के अंदर 1.5% तक की शानदार पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल चुके हैं। और साथ ही साथ जो न्यूज यहां पर निकल कर आई है, कह सकते हैं कि कल के दिन अगेन आपको टाटा पावर के अंदर शानदार मूवमेंट देखने को मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं ठीक 2 घंटे पहले ये न्यूज निकल कर आई है, जिसमें फेम इंडिया स्कीम के तहत जो फेस टू का यहां पर अनाउंसमेंट किया गया है उसमें टाटा पावर को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। साथ ही साथ इनके Q3 के रिजल्ट के ऊपर भी इस न्यूज का काफी इंपैक्ट देखने को मिलने वाला है। क्या है कंप्लीट न्यूज, आइए मैं आपको डिटेल में बताता हूं। आप देख सकते हैं फेम इंडिया स्कीम फेस टू फॉर फास्टर एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स इन इंडिया। जैसा कि आपको बताया कि हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज्यादा यहां पर जोर दे रही है और आने वाले टाइम में बहुत तेजी से इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के ऊपर जो फंड है वो यहां पर रिलीज किया जा रहा है। तो आज ही के दिन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे हैज इशूड द मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन 2020 अंडर सेक्शन 93 फॉर द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को यहां पर अमेंड किया गया है और उसमें कुछ इंपोर्टेंट चेंजेस किए गए हैं। जी हां दोस्तों, यहां पर फेम इंडिया स्कीम के फेस टू के अंदर 2877 इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन यहां पर हमारी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने जा रही है, जो कि 68 सिटीज अक्रॉस 25 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को यहां पर कवर करेंगे। तो कह सकते हैं कि टाटा पावर के लिए ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने वाली नंबर वन कंपनी हमें इंडिया के अंदर टाटा पावर ही देखने को मिलती है। वहीं इस स्कीम के दौरान एक और जो बड़ी अनाउंसमेंट यहां पर निकल कर आई है वो है 1576 चार्जिंग स्टेशन सेंशन अक्रॉस 9 एक्सप्रेसवे एंड 16 हाईवेज अंडर फेज टू ऑफ फेम इंडिया स्कीम। तो यहां पर ओवरऑल बात करी जाए तो काफी बड़े यहां पर सेंशन आज के दिन हमें इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के अंदर ये देखने को मिल रहा है और बहुत पॉजिटिव न्यूज टाटा पावर के शेयर होल्डर्स के लिए आज के दिन ये निकल कर आई है। तो डेफिनेटली आपको ये न्यूज बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको न्यूज पसंद आई है तो हमें इनकरेज करने के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बात करेंगे अब आपको टाटा पावर के अंदर क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना है। तो आप देख सकते हैं टाटा पावर ने पिछले 6 महीने के अंदर ही इस शेयर्स ने अपने इन्वेस्टर को 84% से भी ज्यादा के शानदार रिटर्न्स यहां पर बनाकर दिए हैं और साथ ही साथ कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कंटिन्यूसली हमें ग्रो होते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि 73,000 करोड़ रुपीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी, इसे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन में अभी तक मोनोपोली का बिजनेस करते हुए देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम टाटा पावर के मैक्सिमम चार्ट पैटर्न्स की बात करें तो जब से कंपनी लिस्टेड हुई है, यानी कि 2000 से लिस्टेड हुई कंपनी, अभी तक 2151% तक के मल्टीबैगर रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। लेकिन अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तो पिछला एक साल टाटा पावर के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत स्पेशल रहा है, क्योंकि जो रिटर्न्स हमें पिछले एक साल में टाटा पावर के अंदर देखने को मिले हैं, ये रिटर्न्स हमें पिछले 19 सालों में कभी देखने को नहीं मिले। तो नो डाउट टाटा पावर के अंदर जो अब आपको एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, कह सकते हैं कि ये शेयर बहुत जल्दी आपको 500 रुपए देन 1000 रुपए पर भी ट्रेड होते हुए देखने को मिल सकता है। बात करें टाटा पावर के आज के वॉल्यूम बेस्ड काम के बारे में, तो आज के दिन एनएसई के अंदर टाटा पावर की हमें 3,03,48,000 क्वांटिटी ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है, जिसके सामने 71 लाख क्वांटिटी डिलरेबल बेस पर उठाई गई है और डिलरेबल बेस क्वांटिटी का परसेंटेज भी लगभग 23% के करीबन का हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। यानी कि
टाटा पावर के अंदर जो डिलेरेबल बेस काम है उसके अंदर भी अब यहां पर हमें वापस पॉजिटिविटी आती हुई देखने को मिल रही है। जहां लास्ट के दो ट्रेडिंग सेशन में हमें सेंसेक्स के अंदर 2000 पॉइंट की शानदार तेजी देखने को मिल चुकी है, वहीं अगर टाटा पावर के भी आप ट्रेडिंग चार्ट को देखेंगे, कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न को देखेंगे, तो जो हमें इसके अंदर बियरिश मोड देखने को मिल रहा था, अब कहीं ना कहीं लास्ट दो ट्रेडिंग सेशन से हमें शेयर्स वापस बियरिश मोड से बाहर आते हुए देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर इस शेयर्स के अंदर वॉल्यूम बार्स काफी अच्छी हमें आने वाले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलती है, तो कह सकते हैं कि अगेन हमें इस शेयर्स के अंदर फ्रेश बाय के सिग्नल देखने को मिल सकते हैं। तो यदि आपने भी टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यहां पर आपको अपनी पोजीशंस को लॉस में बिल्कुल भी स्क्वायर ऑफ नहीं करना है। और अगर आप लॉन्ग टर्म पर्पस से यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जो टेक्निकल लेवल्स यहां से टाटा पावर के बन रहे हैं वो भी काफी ज्यादा बुलिश है। जी हां दोस्तों, इसका RSI लेवल और MFI लेवल यानी कि मनी फ्लो इंडेक्स पूरी तरीके से अभी हमें मिड रेंज के अंदर देखने को मिल रहा है, यानी कि RSI लेवल 52 का और MFI लेवल 39 का देखने को मिल रहा है। तो यहां पर 70 प्लस अगर जाता है RSI लेवल MFI लेवल तब जाकर हमें ओवरबॉट जोन की कैटेगरी में शेयर्स आते हुए देखने को मिलता है, लेकिन जिस प्रकार से ये अभी हमें 59 और 39 पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है, 52 और 39 पर, तो कह सकते हैं कि अभी आपके पास पोजिशंस बनाने की एक बहुत अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो यदि आप टाटा पावर के अंदर फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस शेयर के अंदर बाय ऑन डिप करते हुए चल सकते हैं। हमारी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस को लेकर काफी ज्यादा बुलिश देखने को मिल रही है, और इससे सिर्फ टाटा पावर को ही नहीं बल्कि टाटा ग्रुप की टोटल 4 कंपनियों को यहां पर काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, जिसमें टाटा मोटर्स, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, उस कंपनी को तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ टाटा पावर को भी बेनिफिट मिलने वाला है। और बात करें यहां पर दूसरी कंपनियों के बारे में तो यहां पर टाटा ग्रुप की 2 और कंपनियों को इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। जहां पर बात करें टाटा कि 2 कंपनियां जो कि आपको आने वाले टाइम में काफ़ी शानदार रिटर्न्स बनाकर दे सकती है और आप यहां पर अपनी पोजीशंस को लॉन्ग टर्म पर्पस से होल्ड करके चल सकते हैं, उसमें हमें टाटा पावर और टाटा मोटर्स का नाम ही देखने को मिल रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहां से आपको शेयर मार्केट की हर छोटी बड़ी अपडेट्स कंटिन्यूसली बेसिस पर प्रोवाइड करी जा रही है। बात करें यहां पर लास्ट वीडियो के बारे में, जहां पर मैंने आपको टेगा इंडस्ट्री IPO को लेकर कुछ अपडेट शेयर करी थी, वहां पर कुछ मिस इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं, जिस कारण से मैं आपसे तहे दिल से यहां पर माफी भी मांगना चाहता हूं। हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था जिस कारण से आपके साथ कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करी जाए। आगे हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे, हमारी टीम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगी। आपको जो दिक्कत हुई है उसके लिए अगेन मैं आपसे हाथ जोड़कर सॉरी कहना चाहता हूं। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी, हमारी आप इस मेहनत को डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।